जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से जो पूरे विश्व में एक कोरोना वायरस नामक की महामारी जो फैली हुई है, हमारी एक छोटी सी गलती हमारे देश पे भारी पड़ सकती है। और इसी की कुछ हद तक रोकथाम के लिए जो 22 मार्च को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया है, हमें भी इसका पालन करना है। मैं ममता कंवर राठौर सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ा की ओर से सभी देशवासियों से अपनी पंचायत समिति से निवेदन करती हूँ कि 22 मार्च को सभी अपनी शॉप्स, अपनी होटल्स, अपनी सैलून्स को बंद रखें और राज्य सरकार व केंद्र सरकार को एहसास दिलाए कि हम आपके साथ हैं। साथ ही मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ, अगर आपको लगे कि हमारे देश के डॉक्टर, सैनिक और पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी जो कोरोना वायरस नामक महामारी से लड़ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए कल 5 बजे साय 5 मिनट के लिए आप ताली बजाएं, थाली बजाएं या अन्य कोई यंत्र बजाएं, ध्वनि प्रकट करें। डरे नहीं, सावधान रहें, हमें इसे सावधान रहना है। अपने समय समय पर गर्म पानी पीते रहें, अपने हाथ पैर को, मुंह को धोते रहें। और सबसे जरूरी है, हमें अपने घर में बैठ के बैठना नहीं है, हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करना है। और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा जो तरीका है वो है योगासन। हम घर में बैठ के योगासन कर सकते हैं, हम काढ़ा बना के पी सकते हैं, जैसे गिलोय हुए, तुलसी का पत्ता, हल्दी, काली मिर्ची का काढ़ा बना के पी सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर जितनी स्ट्रांग होगी, किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता